हेलो बच्चों, आज हम आपकी बुक का चैप्टर 6 ऑब्जेक्ट ड्राइंग वाटर कलर से करेंगे, जिसमें आपको एक फ्लावर पॉट बनाना है और उसमें वाटर कलर करने हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, फिर उसका सेंटर लेके एक ऊपर की तरफ लाइन खींची है मैंने 8.5 सेंटीमीटर, और ऊपर मैंने नाप लिया है 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, यहां से हम एक शेप देंगे पॉट के लिए, वैसे ही हमें इस तरफ भी करना है। तो हम थोड़ा घुमा के इस तरह से पॉट को शेप देंगे, ऐसे ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी करना है। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे बराबर की लाइन भी खींच सकते हैं। मेरा 4.5 इधर आ रहा है तो हम 4.5 इधर ले लेंगे इस तरह से। हम यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और इसको इस तरह से गोलाई में देते हुए नीचे की साइड। इस तरह से हम पॉट की शेप देंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर का पोर्शन बनाएंगे इसका, इसमें भी हम थोड़ी सी गोलाई देते हुए ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। इस तरह से अब हम इसमें फ्लावर बनानी है और इसकी लीव्स बनानी है। तो हम क्या करेंगे, एक इस डायरेक्शन में फ्लावर बना रही हूँ और एक इस तरह, तो हम इस तरह से शेप दे देंगे ओवर शेप। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींच लेंगे। बहुत लाइट पेंसिल चलानी है आपको, वाटर कलर करना है तो हम इसमें पत्तियां बनाएंगे कुछ। इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। अब हमें इधर भी फ्लावर बनाने हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन्स खींचनी है इस तरह से, ऐसे ही हमें इस तरफ भी करना है। इस तरह से हम पत्तियाँ बनाएंगे, इस तरह से हमारा फ्लावर पॉट ड्रॉ हो जाएगा। अब हम वाटर कलर करने से पहले जो लाइन्स हैं इनको हम लाइट कर लेंगे,
कलरिंग करने के लिए हमें कलर्स की, क्या आप ट्यूब कलर तो ट्यूब कलर लीजिए, केक कलर है तो केक कलर लीजिए, ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी और एक रफ कपड़े की, और वाटर के लिए एक बाउल की और कलर प्लेट की। सबसे पहले मैंने लेमन येलो कलर लिया है और मैं यहाँ कलर कर रही हूँ। पूरे में कलर नहीं करना है हमें, थोड़ा थोड़ा इस तरह से कलर। क्रिम्सन लेक्ट लीजिए या फिर रेड भी ले सकते हैं। इसे पहले तो आउटलाइन कर लेंगे। आउटलाइन करेंगे सबसे पहले और कलर को अंदर की तरफ ले जाते हुए इस तरह से करेंगे। ऐसे हमें सारी पत्तियां करनी है। इस तरह से हम फ्लावर बनाएंगे, ऐसे ही हमें दूसरा फ्लावर भी करना है। तो पहले हम लेमन येलो लेंगे, अंदर से बाहर की तरफ करेंगे। उसके बाद रेड या क्रिम्सन ब्लैक कोई सा भी कलर लें, आप जो भी कर रहे हैं फ्लावर में आउटलाइन करेंगे। इस तरह से और अंदर की तरफ अब हमें पत्तियां बनानी है इसकी। तो सबसे पहले हम लेमन येलो कर रहे हैं और साथ में हम लेंगे सैप ग्रीन। इस तरह से हमें येलो कलर करना है, फिर हम ग्रीन कलर लेंगे।
इस तरह से हम ग्रीन कलर का टच देंगे। अब हम थोड़ा ग्रीन कलर में हम ब्लू कलर मिक्स कर रही हूँ। और एक डार्क कलर बना लेंगे। अब हम ब्राउन ब्लू और ग्रीन मिला के मैंने ये कलर बनाया है डार्क कलर, ऐसे आउटलाइन करेंगे। इसे हम कलर करेंगे। अब हमें यहाँ पे डार्क कलर करना है, मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन कर रही हूँ।
इस तरह से। अब हम ब्लू कलर लेंगे, और उसमें थोड़ा सा पिंक एंड ब्लैक का टच देंगे। यहाँ मैं पर्सन ब्लू और क्रिम्सन ब्लैक दोनों मिक्स करके कलर बना रही हूँ। इस तरह से आपको जैसे हमें पहले लाइट कलर करना है। यहाँ पे आपको हाईलाइट के लिए पेपर को छोड़ देना है। हम यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज नहीं कर रहे हैं, व्हाइट कलर की जगह हमें पेपर ही दिखाना है आपको, वहाँ पे हम कलर नहीं करेंगे। जैसे हम ये पहला कोट कर लेंगे, अब हमें यहाँ डार्क दिखाना है और इधर लाइट, तो यहाँ हमें डार्क कलर थोड़ा देना है। ब्लू में हल्का सा मैं यहाँ पे ब्लैक कलर बता दूंगी। इस तरह से आपको ब्रश चलाना है। इसके आउटलाइन कर लेंगे। Thank you.
फ्लावर में भी थोड़ा डार्क कलर बना के यहाँ पे हम आउटलाइन कर लेंगे। इस तरह से नीचे हमें येलो कलर देना है। वैसे कलर लगा के वैसे पानी से पूरे में फैला दे। अब हमें पॉट की शेडो दिखानी है। देखिए हमने यहाँ डार्क किया था तो शेडो इधर आएगी, लाइट इधर से पड़ रही है तो इसकी परछाई कहाँ आएगी, इस तरह। जब ये सूख जाएगा कलर उसके बाद आप शेडो दे। शेडो देने के लिए हम ड्यू में ब्राउन मिक्स कर लेंगे। इस तरह से यहाँ थोड़ा डार्क रखेंगे इस तरह और यहाँ पे लाइट। इस तरह से हमें शेडो देनी है।